अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि हम उसके दूसरे लफ्जों में इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन जो है दो हम इसको कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में और इनडेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट दी हुई होती है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में ऐसी कोई नहीं होती, उसमें ऑर्बिट्री कांस्टेंट लगता है और डेफिनेट इंटीग्रल में ऑर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू भी मालूम करनी पड़ती है। तो हम इंटीग्रेशन का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस का बता दूँ कि प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए तो ये फ्राइज में शामिल हो गया है, यानी फ्राइज में शामिल है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं और बिजनेस मैथ्स जो पढ़ते हैं और एनालिटिक केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये कैलकुलस का एक बड़ा पोर्शन है, जो कैलकुलस का बड़ा पोर्शन जो है इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहा होता है। लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चंद चीज़ा बातें बताऊँ। इंटीग्रेशन में एक साइन यूज़ होता है, वो साइन कुछ इस तरह का होता है। इसका मतलब क्या है? सम। इसका मतलब क्या है? सम, SUM, सम। अब क्या है इस सम को, सम यानी S जो है वो हम इसको साइन ऑफ इंटीग्रल से शो करते हैं। इसी के साथ आपको लगेगा dx क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं पहले आपको एक सम लेता हूँ, फिर हम आपको उसी में बताते चलेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएशन से इसका क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो एक सम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, देखें इसको तो पहले हम सिंप्लीफाई, मैंने आपको पहले भी कई लेक्चरों में बता चुका हूं कि आप सिंप्लीफाई करते हुए चलें ताकि आपको करना आसान हो जाए। ये देखें, ये कोफिशिएंट है, ये पहले लिख लिया है, ये कांस्टेंट है, इसको हमने अलग से लिख लिया। और dx देखिए, dx इस पे भी गया, dx इसके पास भी गया, dx इसके ऊपर भी गया। अब क्या होगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे? देखें डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में पावर को हम नीचे उतार के पावर में से एक माइनस कर देते थे, पावर में से वन माइनस कर देते। इधर क्या करेंगे? ये देखें, इसमें से टू प्लस वन पावर में वन प्लस किया और उसी पावर को प्लस वन करके डिनोमिनेटर बना दिया। आगे चले, फोर एज इट इज, यहां वन पावर है, वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस 13। अब देखें ये डी और ये कैंसिल हुआ, एक्स यानी कैंसिल नहीं हुआ, हम डी एक्स की इंटीग्रेशन होगी, सिंपल एक्स होगी, वो एक्स लिख दिया हमने और प्लस सी। अब क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू 13 एक्स प्लस सी। टू वन जो टू, टू जो फोर, यानी सिंपलेस्ट अगर हम तरीका कहें क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सिंपल से क्या करा, डिफरेंशिएशन में पावर नीचे उतारी, उसमें से वन माइनस किया, इसमें क्या होगा, पावर में प्लस वन करेंगे और उस पावर में प्लस वन करके उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी कि वहां पर पावर जो है मल्टीप्लाई भी होगी, यहां पर डिवाइड होगी। तो इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। हम थोड़ा सा और कोई सम लेते हैं आपको, यानी कि हमने थोड़ा सा बड़ा सम उठा लिया, अगर हम छोटा सम लेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा, इसमें कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। हम एक सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे 5x की पावर 0। अब क्या होगा, 5x की पावर 0 dx, 5x 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इससे हमें एक बात और पता चली कि डिनोमिनेटर में कभी भी ऐसा कोई नंबर ना आए जो 0 हो। अगर 0 आएगा तो ये इनडिफाइन नंबर बन जाएगा, तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है उसकी, इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0, देखें यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, f x प्लस c, ये आंसर है इसका।
इसी तरह आप और भी सम्स कर सकते हैं, हम और सम्स करते हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट तरीके से इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। आगे और भी इंटीग्रेशन है इसकी, मतलब हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करेंगे, हम बाय पार्ट्स भी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक भी करेंगे, बहुत सारी इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन एक बहुत ज़्यादा पोर्शन इंटीग्रेशन का, कैलकुलस में इंटीग्रेशन का है। तो इस पर आपको जितना अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं उतना सीख लें। इंटीग्रेशन जितना भी कर लें कम है। हम एक करते हैं du upon u square। देखें इसको करने का तरीका सिंपल सा क्या है, पहले सिंपलीफाई करें, माइनस टू डी यू यानी ऊपर ले गए, पावर ये हो गए। अब क्या होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या आया, u माइनस वन माइनस वन प्लस सी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, वन अपॉन यू प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह और भी मेथड हैं आप जो कर सकते हैं, और सम्स हैं जो आप कर सकते हैं। इसी तरह बेसिकली अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ज़ाहिर आगे आएगी, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे डिफिकल्ट होता जाएगी। इसको हम एक और लेते हैं, थीटा प्लस वन अपॉन थीटा डी थीटा। अब देखें इसको क्या करेंगे हम, जहन ये कहता है कि आप पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाए, लिए जी लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें ये बात पता है कि रूट जो होता है वो हाफ होता है, तो हमने हाफ भी लिख दिया। और इसको अगर हम यू लिख दें, इसमें किसी को एतराज, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब हम इसको इंटीग्रेट करें, हाफ प्लस वन प्लस माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। अब क्या करेंगे इसको, थीटा थ्री अपॉन टू प्लस हाफ और ये हाफ प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसको और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, टू अपॉन थ्री थीटा थ्री अपॉन टू प्लस टू हाफ प्लस सी। मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन है। देखें हमने क्या करा, हाफ में प्लस वन करा, हाफ प्लस वन किया, माइनस हाफ प्लस वन और सी, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है। इसको आप प्लस करेंगे 3/2 बनेगा, इसको 3/2 बनेगा, प्लस माइनस हाफ ये बनेगा, सॉरी यहाँ पर ये नहीं, प्लस हाफ रहेगा और ये भी प्लस हाफ रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया, देखें सिंप्लीफाई करके इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका आ गया। ये बहुत सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन है, सारी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगी बिलफर्स। एक और मैं आपको बताऊं जो आपको मैं कहता हूं कि आप खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं वो क्या है। फर्ज करें यूं है, देखें ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होने चाहिए फिर जाकर इंटीग्रेट। ये नहीं कि अगर टी लगाओ तो आपने भाई टी करना शुरू कर दिया, वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। अब देखें यहां पर क्या होगा, सिंपल सा पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसको ओपन करेंगे, कैसे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी वन है प्लस चले ये हम ला ताकि इस आसान हो जाए, बस अब हो गया सिंपलेस्ट, ये और ये कैंसिल, x माइनस टू रूट एक्स प्लस वन और dx। और आप इंटीग्रेशन वैसे ही होगी जो हम पहले करते आए, तो मेरे ख्याल से हम ये सम स्टूडेंट आप खुद कर लेंगे। ऐसे एक आध और सम मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, फिर आप हम इसको इस आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ताकि इस लेक्चर के अंदर बेसिक चीज़ों पे ही हम फोकस करें, हम डायरेक्ट मुश्किल चीज़ की तरफ ना जाएं। देखें मैं आपको एक और बता दूं,
थीटा माइनस वन क्यूब अपॉन रूट थीटा डी थीटा। ये देखें अब क्या होगा, अब यहां पर सिंपल सा ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा और डिनोमिनेटर और इस सब के नीचे आ जाएगा, यानी हम इसके एलसीएम को ब्रेक कर देंगे और फिर सिंपल सिंपलीफाइड तरीके से ये हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा भी कर सकते हैं, और जो है हमारे पास पावर वाले फार्मूले सारे ऐसे ही होंगे कि जिसमें होल पावर हुई है, होल पावर होगी, लेकिन मतलब सारे नहीं, पर हमें देखना है कि इस फार्मूले से कौन से हो रहा है। जैसे हम जो है अब थोड़ा सा और कुछ ढूंढते हैं कि इस टाइप का कुछ और हमें मिल जाए तो हम वो कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बताता हूं, थ्री एक्स फोर माइनस टू एक्स अपॉन फाइव एक्स डी एक्स। देखें सिंपल सा तरीका क्या है इसका, मैंने अभी बताया था ना पहले कि एलसीएम ब्रेक करें, देखिए ये मैंने कर दिया, हमने हो गया आसान। क्या आ गया आंसर, थ्री अपॉन फाइव एक्स क्यूब, यानी ये कैंसिल हुआ, ये क्यूब क्यूब होगा, माइनस टू अपॉन फाइव ऐसी रह गया, और ये डी एक्स, और ये थ्री अपॉन फाइव आप बाहर निकाल दें, अब पुराना मेथड हो गया। अच्छा ये इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन इधर गया और ये हो गया और ये सिंपल सा, और बाकी पुराना मेथड ही रहेगा। ये सबसे इजीएस्ट मेरे ख्याल से था जो चीज समझानी थी कि एलसीएम ब्रेक करके देखिए, यानी आपको बस सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई पहले मैथ का तरीकेकार भी यही है कि सबसे पहले सिंपलीफाई करें और उसके बाद जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है या रिक्वायर्ड मेथड है उस पर आप फोकस कर लें, या फार्मूला जो भी फार्मूला लगाना हो उस पर फोकस करें। मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन के हवाले से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, सॉरी इंटीग्रेशन के सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन के हवाले से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो है आगे जो जाएंगे, हम दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी जो सिंध बोर्ड की जो बुक है, पाकिस्तान सिंध बोर्ड की जो बुक है, उसकी जो एक्सरसाइज है पहली एक्सरसाइज में ज़्यादातर सम जो है ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही सम हैं लेकिन ज़्यादातर सम ऐसे ही, तो आप हर एक्सरसाइज में सम इस तरह की तलाश करें और इसको करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आप लोगों ने समझ गए होंगे, जिन्होंने मेरा चैनल थोड़ा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी दें। और इसमें हम आगे इंशाल्लाह फिजिक्स के लेक्चर भी लाएंगे, लेकिन अभी हम इंटीग्रेशन पे ही कुछ लेक्चर इंटीग्रेशन के ही तैयार करेंगे। शुक्रिया।